नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फेंटी फैक्टर में इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले कोई पिका वुमन टी ट्वेंटी का जो मैच नंबर सिक्स होगा जो कि होगा फ्रेंड्स वुमन वर्सेस नाबीस के बीच में इसके हम लोग यहाँ पे आप लोग को फ्रेंड्स स्मॉल स्मालिक की प्राइम टीम प्लस ग्रैंड निक के लिए आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट और की प्लेयर जो कि यहाँ पे एज ए कैप्टनसी वाइस कप्टेंसी का रोल प्ले आप लोग के लिए ग्रैंड निक में कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ठीक है कुछ पंस प्लेयर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा प्लस जो हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे की पार्ट रहता है टॉस फैक्टर यानी कि टॉस का इस मैच में किस प्रकार से इंपैक्ट रहेगा यानी कि अगर पहले बैटिंग करेगी बोर्ड्स वा वुमन्स की टीम तो कैसे रन कैसे विकेट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे वहीं फ्रेंड्स अगर नामी भी आ, वो बन की टीम आपको पहले बैटिंग करती हुई नजर आएगी तो किस प्रकार के रन किस प्रकार के विकेट आप लोग को देखने को मिलेंगे दोनों के दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे काफी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इसके अलावा फ्रेंड्स पे पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की प्लेइंग अन के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप सभी लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट से जरूर से वॉच करिए ठीक है वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स सारे के सारे जो आपके डाउट्स रहेंगे इस मैच के रिगार्डिंग सारे कंप्लीट होने वाले ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी वीडियो को एक लाइक करके आप लोग हमें मोटिवेट ट कर सकते हो तो सिंपली हम लोग यहाँ को स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे टॉस फैक्टर की ठीक है टॉस फैक्टर से हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे यानी कि टॉस का इस मैच में किस प्रकार से रोल रहने वाला है तो फ्रेंड्स टॉस फैक्टर को जानने के लिए आपको दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म एंड हेड टू तो हेड रिकॉर्ड को यहाँ पे जानना जरूरी है तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टीमों का हम लोग यहाँ पे सिंपली हेड टू तो हेड रिकॉर्ड और यहाँ पे रिसेंट फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे बोट्स वा मंस की मैं बात करूंगा तो इस सीजन में फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने दो मुकाबले खेले ठीक है पहला मुकाबला में इन्होंने बहुत बुरी तरीके से हारे दूसरे मुकाबले में फ्रेंड्स इन्होंने काफी बुरी तरीके से हारे ठीक है पहले वाले मुकाबले में देख सकते हो इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे ट्वेंटी नाइन रन यहाँ पे टोटल बनाए ऑल आउट यहाँ पे यह टीम हो गई ठीक है दूसरे मुकाबले में यहाँ पे सिक्सटी एट रन इन्होंने यहाँ पे बनाए नौ विकेट इनके गिरे यानी कि दोनों मुकाबले

दो हजार उन्नीस में पे दोनों टीमों के बीच टोटल पांच हेड है टू हेड मुकाबले हुए पांच के पांच मुकाबले यहां पर नाबीविया भी भी वुमन ने विन किया और वन साइडेड पे विन विनिंग्स भी देख सकते हो तो कितने शानदार तरीके से इन्होंने पे कर रखी है ठीक है पहले बैटिंग करते हुए रन पे बना रखे सिर्फ एक विकेट यहाँ पे गवा तो के ठीक है तो यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को इस मैच में किस प्रकार से टीम अपनी बनानी है? अगर पहले बैटिंग करेगी ना की टीम तो आप लोग इस प्रकार का रन पे एक्सपेक्ट कर सकते यानी कि हंड्रेड प्लस आप लोग यहाँ पे इस पिच पर इजिली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते जबकि आपको पता है पिच बहुत ज्यादा स्लो है बैटिंग फ्रेंडली नहीं है ठीक है बॉलर को बहुत अच्छा सपोर्ट

बैट्समैन है उन्हें आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखना आप लोगों को सिंपली नावी वुमन के जो बॉलर है उन्हें आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन रखना क्योंकि क्या होगा बॉट्स वन वून की टीम छोटे से स्कोर पर ऑल आउट हो जाएगी या फिर मैक्सिमम विकेट उनके गिरेंगे ठीक है उस किसम क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे नावी व्यास का जो बॉलर है ना उन्हें यहाँ पे ईजिली तीन से चार विकेट किसी ना किसी बॉलर को मिल जाएंगे बाकी बाकी दो से तीन विकेट तो ईजी है बहुत ज्यादा इजिली नहीं मिल जाएगा ठीक है वहीं बैट्सैनों को फ्रेंड्स हो सकता है कि सिक्सट का टारगेट मिले ठीक है तो बैट्समैन सिक्सटी का टारगेट मैक्सिमम कितने रन बना पाएगा फ्रेंड्स बीस से पच्चीस रन बीस से पच्चीस रनों में आपके जो ड्रीम वन में या फिर किसी अदर ऐप में आपके पॉइंट्स आ पाएंगे वो फ्रेंड्स मुश्किल से यहाँ पे 50 टू 60 पॉइंट आपके आ पाएंगे ठीक है वहीं फ्रेंड्स अगर दो विकेट सपोज दैट आपका कैप्टन ले लेता है तो क्या होगा आप लोगों के जो पॉइंट रहेंगे ठीक है अगर सपोज आउट होता तो 50 पॉइंट आपके वैसे ही हो जाएंगे प्लस एडिशनल जो मतलब रहते हैं ठीक है इसके अलावा अगर आपके सपोज यहाँ पे बोल्ड या एल बब्ल्यू होता तो 60 प्लस पॉइंट आप लोग के कैप्टन के हो जाएंगे ठीक है उस केस में अगर कैप्टन आपके हो तो मतलब ज़्यादा डबल कीजिए वन मतलब वन एक के समथिंग आप लोग के पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर कि आप लोग वुमन्स के साथ मतलब वुमन्स के जो मैच रहते हैं इनमें आप लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बॉलरों को आप लोग दे सकते हो और ग्रैंड में भी आप लोग विन कर सकते हो ठीक है तो आप लोग क्या करना कि नावी विवाह के जितने

पेसरों को यहाँ पे अच्छी खासी हेल्प मिले लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे नाविया वस की जो टीम है वो अच्छे रन भी बना सकती है ये चीज़ लो आप लोग ध्यान में रखना ऑन एन एवरेज आप लोग देखोगे लगभग आप लोग 65 से 70 के बीच में यहाँ पे रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने रन लगभग यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आएंगे ठीक है इसके बाद आप लोग देखोग फ्रेंड्स जो चार मुकाबले हुए हैं पांचों मुकाबला भी चल रहा है ठीक है तो जो चार मुकाबले हुए चार में से तीन मुकाबले इस ग्राउंड पर चेज हुए हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेजिंग भी बहुत ईजी है आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे चेज किए गए हैं मुकाबले तो यहाँ पे चेजिंग के फेवर में भी आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा अब हम लोग यहाँ पे दोनों टीमों के यहाँ पे सिंपली प्लेइंग प्लेंग की बात फ्रेंड्स ठीक है सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर राविवा ओवंस की प्लेइंग रन को आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनका जो लास्ट का प्लेइंग रन रहा था इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके बारे में आपको बताता रहूँगा ठीक है इनकी तरफ से इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो बैट्समैन है यहाँ पे यहाँ पे ए वाइंडर मार ठीक है ट्वेंटी नाइन रोनों की काफ़ी शानदार इनिंग खेली थी इनके साथ यहाँ पे ओपन करने आए थे यहाँ पे जी डायग्रेट इन्होंने बीस रन यहाँ पे बनाए थे फिर यहाँ पे वाई खान जो कि इनके विकेट कीपर जीरो ठीक है फिर यहाँ पे के ग्रीन इनके सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर इस बार निकल के आ रही है छ रन इन्होंने यहाँ पे बनाए फिर यहाँ पे देख सकते हो आई वैन जयल जो कि इनके कैप्टन है जीरो पे यहाँ पर रनआउट हो गई थी फिर यहाँ पे देख सकते हो डी फॉरेस्टर है इन्होंने तीन रन फिर यहाँ पे सनी वाइस वा यहाँ पे विटमैन है इन्होंने बाईस रन यहाँ पे बनाए ठीक है फिर यहाँ पे फ्रेंड्स वाल का मालिन है इन्होंने यहाँ पे तेरह रन यहाँ पे बनाए टोटल रन इन्होंने बनाए एक सौ एक छः विकेट खो ठीक है बात करेंगे फ्रेंड्स सामने वाली जो टीम के ना यहाँ पे आठ विकेट निकाला रवांदा वंस के आठ विकेट निकाले जिसमें देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मिल्का मवेटी ने यहाँ पे चार ओवर कराई एक मेडिन ओवर भी डाल रखा और यहाँ पे सात रन देके दो विकेट यहाँ पे निकाल रखे यानी कि एक तो इन रेट्स के, के भी इनको यहाँ पे फ्रेंड्स पॉइंट मिले होंगे प्लस मेडिन ओवर के भी पॉइंट मिले प्लस दो विकेट के भी इनको पॉइंट मिले यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग सपोज दैट यहाँ पे इनको कैप्टन बना लेते थे इस मैच में तो आप लोग अल्ट्रा क्लेनशिप कर सकते थे ठीक है फिर यहाँ पे फ्रेंड्स बात करूँ के ग्रीन की भी तो देख सकते हो आपको विकेट कीपर सेक्शन में ये मिलेगी ठीक है चार ओवर पूरे बॉलिंग डाल लिए एक ओवर मेडिन डाला इन्होंने और यहाँ पे दो विकेट भी निकाल रख इकोनो रेट भी यहाँ पे टू पॉइंट जीरो की है ठीक है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ ये दोनों के दोनों हो जाते हैं कैप्टन

ठीक है चार चारोवर इन्हें डाले यहां पे चौदह रन दे रखे दो विकेट भी इन्होंने निकाल रखे तो ये भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेरे सबसे हो जाती है ठीक है तो फ्रेंड्स बॉलर देखोगे आप लोग तो यार तो भी भी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पे होने वाले ठीक है की मैं बात करूंगा तो फ्रेंड्स पहला मुकाबला तो इनका बहुत बेकार हुआ उसे तो देखना ही नहीं बनता तो दूसरा मुकाबला हम लोग यहां पे देखेंगे पे स्टेट इन्होंने पे बनाए नौ विकेट इनके गिर जिसमें जो है फ्लोरेंस है इनके जो ओपनर फ्रेंड्स इन्होंने यहां पे अठारह रनों की काफी अच्छी इनिंग खेली इनको आप लोग कंसडर कर सकते हो अपनी टीम में ठीक है ठीक ठाक ये येटिंग करी थी इकतीस बॉल यहाँ पे खेली इन्होंने एक ही उंड्री आई लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टिक के खेली थी तो आप लोग ले सकते हो इनको ठीक है ठीक ठाक इनका रिकॉर्ड भी ओवरऑल फिर इनके साथ जो ओपन गए थे फ्रेंड्स यहाँ पे एस मोसवो ठीक है जीरो पे आउट हुई थी फिर यहाँ पे लोरा एम के डी आई थी ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स आठ हैं इन्होंने यहाँ पे बनाया इक्कीस बॉल इन्होंने भी खेली थी फिर यहाँ पे बॉन्टली है बॉन्टली जीरो पे ठीक है फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बी फ्री मैन है यहाँ पे फ्रेंड्स जीरो फिर यहाँ पे देख सकते हो ए मकोथली है इन्होंने दो रन ठीक है फिर यहाँ पे देख सकते जैकलिन जे कैंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है यार इनको आप लोग ग्रांडिंग में जरूर से ट्राई करना ठीक है बहुत शानदार ऑलराउंडर रहेगा इनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है पिछले सीजन का इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं चार रन लास्ट के मैच में बनाए फिर यहाँ पे एम बी पेडी है फ्रेंड्स बी पे भी इंपॉर्टेंट है तेरह रन यहाँ पे लास्ट के मुकाबले में इन्होंने यहाँ पे बनाए ठीक है ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये दो आप लोग कसिडर कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग की टीम में फिर यहाँ पर टी सेड काफी इंपॉर्टेंट है पिछले सीजन का रिकॉर्ड बता दो फ्रेंड्स आठ मैचों में इन्होंने छह विकेट निकाल रखे तो इनको भी आप लोग कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो ठीक है फिर यहाँ पे टी मठोलपुटी है

इसके अलावा आप लोग देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे एस मसू है एक ओवर डाला बारह रन यहाँ पे दिए फिर 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 यहाँ पे देखते फोरेंसिक का तीसरा ओवर चला था बाईस रन यहाँ पे दिए ठीक है सबसे अच्छी कॉन्विड से आप बॉलिंग जो कराई यहाँ पे बी पेड ने कराई तो बी पे को आप लोग कंसडर कर सकते हो स्मॉल लीग की टीम में इनकी तरफ से चार प्लेयर भी चूज करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा ठीक है इसमें आप लोग यहाँ पे फोरेंसिक को एक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फिर यहाँ पे लॉरा एम एम पेडी को आप लोग ट्राई कर सकते हो फिर आप लोग यहाँ पे जे कैंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ग्रैंडिंग वगैरह में ट्राई कर सकते हो या फिर स्मॉल लीग में अपनी टीम में रख सकते हो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स बी पेड है इनको भी कंसिडर कर सकते हो बाकी एक बॉलर है जिन्होंने एक बिक निकला उनको आप लोग यहाँ पे ले सकते हो यानी कि ओनली को आप लोग यहाँ पे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अब हम लोग ड्रीवन की तरफ चलेंगे जो हमारी टीम बन के आई इस मैच के लिए उससे हम लोग यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं फ्रेंड्स ठीक है वन साइडर मुकाबला होगा फ्रेंड्स तो आप लोग को वन साइडर की टीम बना के चलनी है इस वाले मुकाबले में यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है तो सिंपली मैं आप लोग यहाँ पे सीधा टीम दिखा रहा हूँ ठीक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कप्टेंसी मैंने यहाँ पे दी है भी हमोलिया को ठीक है हमोलिया की बात करूँ तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स यहाँ पे हर एक मैच में लगभग अच्छे विकेट निकाले के ग्रेन की बात करूँ तो ये भी पूरे चार ओवर डाली प्लस यहाँ पर बैटिंग से भी ऊपर आ जा रही आप चाहो तो इनको कैप्टन रख सकते हो वाइस कैप्टन इनको भी रख सकते हो ठीक है इन दोनों को मैंने कैप्टनसी वाइस कप्टनशी दी है फ्रेंड्स बाकी आप लोगों के पास जो और ऑप्शन बसस्ती है आप लोग यहाँ पे ले सकते हो आई एन जेल को भी आप लोग कैप्टनसी सकते हो थोड़ी सी डिफरेंस चॉइस यहाँ पे हो जाएगी ये भी अच्छी खासी चॉइस है ठीक है बैटिंग सेक्शन में मैं कहूँगा नहीं कि आप लोग यहाँ पे बैटिंग सेक्शन के साथ जाना हाँ फ्रेंड्स पे ना भी भी की टीम पहले बैटिंग करती तो ए वेंडर मार्वे को आप लोग यहाँ पे एज ए कैप्टन पे ट्राई कर कर सकते सकते हो हो ठीक है उसके इसमें आप लो कर सकते हो, आप लोग लोग लेकिन चेज करेगी तब को नहीं करना यह चीज ठीक है एस पोलो भी में ट्राई करना ठीक है है इनकी तरफ तरफ से भी भी से यानी कि की जितने भी बॉलर ना उन्हें आप लोग ग्रैंड में जरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई जरूर करना ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना फाइनल टीम के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एडी फैंटेसी फैक्टर या फिर कोई भी का वन स्ट्री ट्वेंटी भी आप लोग सर्च कर सकते हो ठीक है तो एट द रेट फेंटेसी फैक्टर तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले चैनल पर पहुंच जाओगे ठीक है लिंक नाम में चैनल का इसी कोई भी का ट्वेंटी का जिससे कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो ठीक है बाकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फाइनल अपडेट आप लोग यहाँ ही पर मिलेगा देख सकते हो जैसे लाइनअप नहीं आई थी तो मैंने आप लोग को सेव करने के लिए अलग से टीम दी थी जैसे लाइनअप आई तो फाइनल टीम आपको अपडेट करके दे दी ठीक है तो इसी प्रकार की अगर आपको फाइनल अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना पहली बार चैनल पे आया कुछ भी अच्छा लगा चैनल पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों के मैच का बहुत सारा गुड लक